नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। यहाँ पे देख लेते हैं, यूपी टीईटी का परिणाम अभी तक नहीं आएगा। मतलब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जो 23 जनवरी को परीक्षा जो हुई थी 2022 में संपन्न हुई थी, तो उसका परिणाम जो है वो अब इलेक्शन के बाद आएगा। देख लीजिए प्रूफ के साथ, यहाँ पर भी देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है, इसमें जो है यूपी टीईटी परिणाम स्थगित, अब चुनाव के बाद आएगा। मतलब क्या, जब चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद ही जो है वो यूपी टेट का रिजल्ट आएगा। अभी आपने देखा भी केस चल रहा है, इसमें धांधली कितनी हुई थी, हो सकता है परीक्षा रद्द हो जाए। ठीक है, पर इसमें देख लीजिए आगे क्या होता है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उन्होंने बोला है कि नियुक्तियों में धांधली की होगी जांच और भर्तियों का खुलेगा पिटारा। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस समय जो है सपा मुखिया के जो है हंडियत फूलपुर में जो चुनाव सभा में शहर में जनसंपर्क जो यात्रा के जरिए भर्तियों के मुद्दों पर युवाओं को लुभाया। मतलब क्या, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर जो है इस समय प्रयागराज में इलेक्शन जो है जोरों शोरों पर होने वाला, इसलिए यहाँ पर प्रयागराज में जो है हमारे जब चाहे पीएम हुए या सीएम हुए सभी रैलियां इस समय हो रही हैं। अखिलेश यादव जी भी खूब रैली इस समय जो है प्रयागराज में कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बोला कि हमारी भर्तियों में जो है वो धांधली नहीं होती है, सबसे ज़्यादा इनकी भर्ती में धांधली हुई है, इसकी जांच कराएंगे यदि हमारी सरकार बनती है तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उन्होंने एक बात और कही है जनसभा को जो है संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि सब कुछ बिक जाएगा तो नौकरियां कहां बचेंगी। जनसंपर्क में जो है यात्रा के दौरान अखिलेश यादव जी ने कहा कि निजीकरण की प्रक्रिया को लेकर भी केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो है भाजपा के लोग जो है वो चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज मतलब हवाई यात्रा कराने की बात करते हैं, लेकिन जहाज व हवाई पट्टी को बेच दिया है, केवल रेलगाड़ी पानी के जहाज बंदरगाह आदि बेच रहे हैं। अब सब कुछ बिक रहा है तो सरकारी नौकरियां कहां बचेंगी, आरक्षण भी कहां बचेगा। आज की सुबह की खबरों में देख लीजिए, इसमें भी पीसीएस 2022 में जो है एसडीएम के 39 पद और 200 पदों का मिला अध्याचन। माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में जो हैं प्रधानमंत्री जी खूब रैलियाँ इस समय कर रहे हैं। देख लीजिए इसमें सरकार के मुकाबले ज़्यादा मिली नौकरियाँ, मतलब कि पिछली सरकार के मुकाबले जो है इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं। पुलिस विभाग हुआ या फिर आपका टीजीटी पीजीटी या फिर शिक्षा विभाग हुआ, ठीक है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। फापा मऊ के बेला कछर में जो है आयोजित संबोधित सभा को जो है वो संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी, ठीक है, इन्होंने बोला है कि इसमें जो पिछली सरकार से ज़्यादा सरकारी नौकरियां जो है हमारी सरकार ने दी हैं। इसमें देख लीजिए खबरों में जो है, इन्होंने बताया कि यूपीपीएससी जो है सैकड़ों पद रिक्त होने के बावजूद भी 11 वर्ष से नहीं हुई भर्तियाँ, मतलब 11 साल से कोई भर्तियाँ आ ही नहीं हैं लोक सेवा आयोग में। अब बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग, मैंने आपको बोला था इंटर कॉलेज में जो है वो 30 मार्च, मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि 30 मार्च तक जो है प्रधानाचार्य की भर्ती हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा गया है, इसमें जो है 30 मार्च तक जब प्रिंसिपल की भर्ती हो जाएगी, उसके बाद ही आपको शिक्षक भर्ती प्लस क्लर्क भर्ती और चपरासी भर्ती देखने को मिलेगी, उससे पहले आपको भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। तो 30 मार्च तक का आप इंतजार करिए, 30 मार्च के बाद ही जो है आपको जो इंटर कॉलेज के अंतर्गत क्लर्क भर्ती और चपरासी भर्ती और इसमें जो है एक तरीके से सारी भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, पल पल की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।